एक तो अभी ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, बेड न्यूज़ भी आया है एक। तो क्या हुआ है, मेरा ये गांव पानी के अंदर डूब जाएगा, इस प्रकार कुछ हालात होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा डैम बनने वाला है मेरे गांव के पास। मेरा इलाका पानी में डूब जाएगा। पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ से उस पहाड़ तक दूसरे पहाड़ तक, तो सरकार ने बोल दिया है कि जगह खाली कर दो और पैसे भी दे देंगे बोल रहा है। तो सरकार का ही मानना है कि डैम बन जाएगा। पहाड़ थोड़ा करीब से दिख रहा है, देख सकते हो, तो यहाँ से ये पूरा इलाका डूब जाएगा मेरा गांव। तो डैम तो आधा बन चुका है, अभी मैप में भी दिखा रहा था कि आधा डैम बन चुका है। डैम बनने के बाद ये सारा इलाका डूब जाएगा। बहुत अफसोस की बात है कि ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है। तो बहुत लोगों का घर, जमीन सब जाएगा। गांव डूबने की जब बात पेपर में आउट हुआ तो मेरे को बहुत दुख लगा, क्योंकि 6-7 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, बचपन से, मतलब मेरे बचपन, मतलब 20 साल हो गए एक जगह पे रहते हैं। तो अगर वो डूब जाएगा, अपनी पूर्वजों का ज़मीन, घर सब डूब जाएगा यार, बहुत अफसोस होता है। गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, बहुत बुरा लगता है मेरे को यार, क्या करूँ। गवर्नमेंट भी कैंसिल नहीं कर सकता, मैं तो सीएम नहीं। अफसोस इसी बात पे है कि हाँ, कि हम लोग जहाँ पे 20 सालों से रह रहे हैं, वो जगह अगर पानी में डूब जाएगा तो कैसा लगेगा आप लोगों को। मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा है ये न्यूज़ सुनने के बाद। तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ बैरेज बनने वाला है। मेरे घर से 70 या 80 किलोमीटर दूर एक डैम बना हुआ है, जिसका कुल लंबाई 26 किलोमीटर है, वो टूटने वाला है। मतलब उसका भरपाई करने के लिए दूसरा डैम बना रहा है। तो ये डैम बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक डैम बना हुआ था, जो कि काफ़ी पुराना है, 20 या 40 साल या पुराना, वो डैम टूटने वाला है। तो ऐसा लग रहा है साला, जैसे अपन का कोई ऐसा। तो यहाँ से 70 या 80 किलोमीटर दूर एक डैम बना हुआ है, जो कि टूटने की अवस्था में आ गया है अभी तक। तो वो डैम जब भी कभी भी टूट सकता है, ऐसा नहीं है कि आज टूटेगा या कल टूटेगा, वो कभी भी टूट सकता है। वो डैम टूटने के बाद सारा पानी अपन, हम लोगों की घर पे, ज़मीन सब पे चला जाएगा पानी, और पूरा पैक हो जाएगा। यह नया डैम बन रहा है, जो कि काफ़ी अफसोस की बात है। दुआ करता हूँ कि ये ज़मीन ना डूबे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में।